लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जो है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट। इसका मीनिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट। और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस कराना, किसी चीज़ में कुछ पैदा कराना, इंड्यूस कराना। लेट्स से कि आपके पास कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाएं, लेट्स से कि ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। अगर आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं, तो जैसे ही आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होना शुरू हो जाता है। मीन्स ये कि लेट्स सपोज कि इस चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आप इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाएंगे, तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से होगा कि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे, और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से। जब भी आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएं, तो चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर दो पोर्शंस हो जाते हैं। आधे पोर्शन में जो है वो एक किस्म का चार्ज आ जाता है और दूसरे पोर्शन में जो है वो ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि चार्जेस इंड्यूस हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो कि या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और वो रेस्ट पर होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चूँकि ये इंड्यूस हुए हैं तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये होता किस तरह से है? लेट्स से कि ये मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसे मैं कह देती हूँ कि ये जो है कंडक्टिव एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल कंडीशन में है। ये न्यूट्रल कंडीशन में है, इसे मैं एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर इस तरह से फिक्स कर देती हूँ। ये हमारा इंसुलेटेड स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने ये कंडक्टेड बॉडी जो कि न्यूट्रल कंडीशन में है उसे रख दिया। अब अगर मैं ये करूँ कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज कि मैं एक एबोनाइट की रॉड, जिसे कि हम लोग इस तरह से, ये एक एबोनाइट की रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब हम इसे जो है फन के क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक एबोनाइट की रॉड ली थी और उसे हम लोगों ने जो है वो फन के क्लॉथ के ऊपर रब किया था। तो जब भी एबोनाइट की रॉड को फन के क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं, तो एबोनाइट की रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये नेगेटिव चार्जेस इस वजह से आते हैं क्योंकि जैसे ही इसे रब किया जाता है फन के क्लॉथ के ऊपर, ये फन के क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। तो जब भी कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो उसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर आप इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो कि एबोनाइट की रॉड है, उसे एक ऐसे कंडक्टिंग बॉडी के करीब लाएं जो कि न्यूट्रल कंडीशन में पड़ी है, तो क्या होगा कि इस जो कंडक्टिव बॉडी है जो कि कंडक्टर है, तो आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, और हर एटम के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पर एटम की स्ट्रक्चर ये होता है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और एटम की ये जो है स्पेशलिटी होती है कि एटम की नहीं बल्कि हमारा जो कंडक्टर है उसकी ये स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। आपको मालूम था कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही लेस होती है, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी भी एक्सटर्नल फोर्स दें तो इस थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स देने से भी हम इस इलेक्ट्रॉन को इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली इस ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें उनकी एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में मौजूद होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी कम होती है कि वो बजाय इसके कि वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हो, पूरे के पूरे कंडक्टर में मूव कर रहे होता है। तो इस तरह से डिफरेंट एटम की जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे कंडक्टर में मूव कर रहे होते हैं, जिन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
अब चूंकि ये हमारी कंडक्टिव बॉडी है और न्यूट्रल कंडीशन में पड़ी हुई है, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कोई एटम होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लातदाद इसमें एटम्स होंगे और एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि इस पूरे ऑर्बिट में, इस पूरे कंडक्टर में जो है वो रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आजादाना फिर रहे हैं। जैसे ही आप इस कंडक्टर को इन एटम्स के करीब लाते हैं तो होता ये है कि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर मौजूद एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज है। आपको मालूम है कि नेगेटिव नेगेटिव मीन्स ये कि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलरली सिमिलर चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे ही आप एबोनाइट की रॉड को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर जाता है तो उस पूरे के पूरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली ये बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। लेट्स से कि ये हमारा वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया जैसे ही हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज एबोनाइट की रोड जो है इसके नज़दीक लाया। तो इस पोर्शन से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं, और इस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं। आप इस पॉइंट को पी कह लें और इस पॉइंट को क्यू कह लें। जैसे ही आप पॉइंट पी के करीब अपनी एबोनाइट की रोड लाते हैं तो नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यू साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्यू साइड पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पी साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि आप एबोनाइट की रोड को इसके नज़दीक रखते हैं। जैसे ही आप एबोनाइट की रोड को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से दूर कर लेते हैं तो ये इसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं या इसमें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस हुई है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में फिर से न्यूट्रल हो जाते हैं और इस पूरे कंडक्टिव बॉडी पर जो कंडक्टिव बॉडी है ये फिर से न्यूट्रल कंडीशन में आ जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रोड्यूस होना मीन्स ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का प्रोड्यूस हो जाना जो कि स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये इंडक्शन हुई है। और इंडक्शन किस तरीके की हुई है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई है, तो इसे हम लोग ओवरऑल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट क्यू पर बनते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉइंट पी पर हमारे पास बनते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्जेस जो हैं हमारे पास पॉइंट क्यू पर बनते हैं जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं। मीन्स ये कि इनमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं वो इक्वली होती हैं, जितने पॉजिटिव बनेंगे एक साइड पे उतने ही नेगेटिव बनेंगे ऑपोजिट साइड पे। अब अगर आप इस तरीके से करें कि अगर आप एक ग्लास रोड है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक ग्लास रोड है, और आपको मालूम होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्लास रोड को जो है वो सी के क्लॉक से रब किया था, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं क्योंकि जब इसे सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो सिल्क के क्लॉथ में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को, लेट्स से मैं ये कहती हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है, इसे मैं इस न्यूट्रल कंडक्टर जो है कंडक्टिव बॉडी है जो कि न्यूट्रल कंडीशन में है और ये एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर पड़ी हुई है, अगर मैं इसे इसके नज़दीक लाऊं, इसे थोड़ा सा इसके नज़दीक बना लेना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह से, ये हमारी रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब आप इसे इसके नज़दीक लाएंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिवली चार्ज है
और इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इस पॉइंट पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटम के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ एटम के ऑर्बिट में बल्कि ओवरऑल इस पूरे कंडक्टर में मूव कर रहे हैं इजिली। तो यहाँ पर मुझे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी अट्रैक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं। तो इस पोर्शन से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस पोर्शन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पॉइंट क्यू से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट पी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट पी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो पॉइंट क्यू की तरफ इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रॉन के इन होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं। मीन्स ये कि आप जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, उस चार्ज ऑब्जेक्ट के लिहाज से उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर हाफ पोर्शन पे पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं और हाफ पोर्शन पे नेगेटिव चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्शन ऑफ चार्जेस होता है। एक और टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं कि कंडक्शन ऑफ चार्जेस। कंडक्शन ऑफ चार्जेस थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि अगर आप किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, लेट्स से कि आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लेट्स से कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाएं, तो इंडक्शन में ये होता है कि लेट्स से कि ये आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जब इंडक्शन होनी हो चार्जेस की, तो ये इंडक्शन ऑफ चार्जेस उस सिचुएशन में होती है जब आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाएं और चार्ज ऑब्जेक्ट से जो है चार्जेस ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएं, ट्रांसफ़र इनटू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जो चार्जेस हैं वो चार्ज ऑब्जेक्ट से जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन ऑफ चार्जेस, और ये उस वक्त तक होते रहते हैं। मीन्स ये कि अगर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं तो जब तक इसके आधे चार्जेस यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, ये कंडक्शन ऑफ चार्जेस का प्रोसेस होता रहता है। यानी कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाया जाए और उस चार्ज ऑब्जेक्ट के आधे चार्जेस उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे चले जाएं, उस चार्ज ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस जब आधी तादाद में न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसे हम लोग कंडक्शन ऑफ चार्जेस कहते हैं। इसके अलावा आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेट्स से कि आपके पास ये दो चार्ज बॉडी हैं, ये भी एक चार्ज बॉडी है और ये भी एक चार्ज बॉडी है। अब जब आप इन दोनों और इसके ऊपर लेट्स से कि इसके ऊपर मैक्सिमम चार्जेस हैं, चार्ज जो बॉडी ए है मैक्सिमम चार्ज्ड है और ये जो बॉडी बी है ये मिनिमम चार्ज है। जब आप इन दोनों बॉडीज़ को कंटेक्ट में लाते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और चार्जेस उस वक्त तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं जब तक कि इनमें एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स ये कि इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो कि रेस्ट की हालत में है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जब तक वो ट्रांसफ़र होते होते इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं आ जाते, ये जो हमारा प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। और जब इन दोनों में चार्जेस जो हैं वो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएं, दोनों में चार्जेस की जो अमाउंट है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो सिमिलर हो जाए, तब हम कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में चार्जेस ज़्यादा हैं, मतलब कि वो ज़्यादा चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इन दोनों बॉडीज़ को आपस में कंटेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस बॉडी से जिसमें मैक्सिमम तादाद में है से वहाँ पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर इनकी डेफिशिएंसी है, जहाँ पर ये लेस क्वांटिटीज़ में है। तो ये उस वक्त तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं जब तक कि दोनों में सिमिलर अमाउंट ना हो जाए, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल ना हो जाए, तब तक ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, दोनों में इक्वल चार्जेस आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। ये कंडक्शन ऑफ चार्जेस था, जबकि इंडक्शन ऑफ चार्जेस ये है कि अगर आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास आएँ,
तो उस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से उसमें अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, मीन्स ये कि उसमें चार्जेस इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि आधे हिस्से पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएं और आधे हिस्से पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएं, तो हमारे पास इस तरह से जो सिचुएशन होती है इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ चार्जेस हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आहिस्ता से आप लोगों को काफ़ी टर्मिनोलॉजी समझ आती चली जाएंगी। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है कि वो किस वक्त इस्टेब्लिश हो जाती है।